वर्तमान में अपराध की योजना बनाते हुए दो अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है और मोटरसाइकिल और साथ में पिस्टल बरामद किया है। खबर सिवान के लकड़ी नबीगंज से आ रही है, जहां पर ओपी प्रभारी सूरज कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर मर्दापुर केवड़ा नहर पुल पर दो अपराधी को हीरो होंडा मोटरसाइकिल और पिस्टल चार गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिपार निवासी पृथ्वीराज सिंह के 27 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार और वहीं देवनाथ प्रसाद के 25 वर्षीय पुत्र रामबाबू बताया जाता है। यह दोनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए केवड़ा नहर पुल पर रुके हुए थे और किसी ने देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल छोड़ कर भागने लगे और पुलिस ने दौड़ाकर इन्हें पकड़ लिया और चेकिंग के दौरान इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और चार गोली बरामद हुई है। पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर इन दोनों को जेल भेज दिया गया है।